ये इधर डबल डोज वाले और इधर सिंगल डोज वाले। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल। तो फाइनली हमारी गाड़ी पहुंचाई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। हमारी ट्रेन देख सकते हो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है सर। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जर्नी होने वाली बहुत ही मस्त, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कहाँ? माता वैष्णो देवी। तो हमारे साथ पहले हमारे जो मित्र हैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे अनुज भैया, जानते पहचानते होंगे चेहरा, ठीक है? एक बार हम लोग फिर गलती से जा रहे हैं साथ में। एक बार गलती हो गई फिर से हैं। उसके साथ ये हमारा, देखो ये श्रवण भाई जा रहा है, ये मेरे मौसी का लड़का है। तो साथ में जा रहा हूँ, इसी के साथ में जा रहा हूँ, ठीक है? तो अनुज भाई, हो गई तैयारी पूरी? बिल्कुल तैयारी है। देखो इस बार बैग चेंज कर दी। बैग भैया देखो, ये देखो बैग लाया है, भोकाली बैग उठा के ना देखो यार। इसमें मैं भी आ जाऊंगा इस बैग में। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज की जर्नी होने वाली है बहुत ही मस्त, क्योंकि हम जा रहे हैं लखनऊ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और गाड़ी में आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी नंबर है, सो दोस्तों हमारी गाड़ी नंबर है 01653, जो कि हमारी चलती है बनारस जंक्शन से। और ये हमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है। और ये बता दूँ टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है हमारी 1337 किलोमीटर का फुल डिस्टेंस कवर करती है। और ये जो हमारी लखनऊ से चलेगी, लखनऊ से स्टॉप की बात करें तो यह 10 स्टॉप पे पहुंचा देगी। 10वां स्टॉप होगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा, यानी लखनऊ से चलेगी बरेली, बरेली से चलेगी सीधा मुरादाबाद, मुरादाबाद से सहारनपुर, सहारनपुर से हमारी जाएगी अम्बाला, अम्बाला से जलंधर, जलंधर से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू तावी, जम्मू तावी से फिर पहुंचेगी उधमपुर, उधमपुर के बाद सीधा हमारी पहुँच जाएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है वीडियो। और इस ट्रेन को हम बोलते हैं श्री माता वैष्णो देवी फेस्टिवल स्पेशल, इस ट्रेन को बोलते हैं। तो अभी मैं हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, पीछे आप देख पा रहे हो यह हमारा चारबाग जंक्शन, जो कि छोटी लाइन है। और हमारी गाड़ी आ रही है NR पे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो चलते हैं स्टेशन पर और फिर पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको ट्रेन की ये न्यू जर्नी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये है चारबाग का रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये है बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन से हमें जाना है इधर से। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4। और कुछ ख़रीदना है तो ले लूँगा यहाँ से। और भीड़ आप देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो वेट करते हैं अपने 11:15 पर हमारी गाड़ी आएगी, देखते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी जस्ट अनाउंसमेंट हो रहा, जो हमारी गाड़ी है 01653 बनारस वैष्णो देवी कटरा स्पेशल, उसका जो है रूट चेंज कर दिया गया है, क्योंकि आगे जो है हमारा लक्सर के पास दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिस वजह से गाड़ी का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है। पहले ये हमारी बरेली मुरादाबाद होके जाने वाली थी, लेकिन अब जो है हमारी ये जाएगी इधर कानपुर खुर्जा और फिर सहारनपुर होके आगे अपने रूट से जाएगी। आप देख रहे हो हमारी गाड़ी 01653, जो कि हमारी बनारस श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल गाड़ी आ चुकी है। और इसमें जो लोकोमोटिव लगा हुआ है वो लगा हुआ है WAP-7 का, और जो कि तुगलकाबाद का लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भाई साहब भीड़ है। तो हम चलते हैं अपने कोच में। दोस्तों फाइनली ये है हमारा कोच, और इसी में हम जाएंगे। D3 है, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इसमें, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसी में हम चलेंगे। यही है भैया, हाँ हाँ D3, हाँ D3, D3 है, इसी में जाएंगे, सीट नंबर 13-14। देखो भैया कितना फुल है। हम एंटर कर चुके हैं इस अपनी ट्रेन में, और ये देखो कितना यार फुल है, ये देखो बैग ही बैग। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अपनी गाड़ी में, और ये देखिए 13-14 है हमारा सीट नंबर। हम लोग बैठ चुके हैं, श्रवण बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ, हमारा है 13-14 नंबर, 13 नंबर ना, 13 या 14 कुछ है इसका भी, मेरा 14 है, इसका 13 है। अनुज भाई का थोड़ा लोचा हो गया था, इसने टिकट बुक किया था, तो इसका पहुंच चुका है बिल्कुल ट्रेन के लास्ट में, और हम हैं बिल्कुल इंजन के बगल में। D3 हमारा कोच है, तुम्हारा D1 था। तो इसको एडजस्ट करके ले जा रहा हूँ साथ तक, और बढ़िया जर्नी होने वाली है, क्योंकि रूट भी चेंज हो चुका है। तो आज हम खुर्जा होकर जाएंगे। तो चलिए,
और हमारी 11:25 पे यहाँ से छूटेगी ट्रेन, तो खुलती है ट्रेन, फिर दिखाते हैं आपको दृश्य। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फाइनली हमारी गाड़ी 11:25 पर लखनऊ से खुल चुकी है, जो कि हमारी कानपुर खुर्जा होकर सहारनपुर होकर जाएगी। और उधर उस साइड में आप देख रहे हो, उधर हमारी खड़ी है गंगा सतलज एक्सप्रेस, जो कि हमारी चलती है धनबाद से फिरोजपुर के लिए, और वो हमारी गाड़ी आ रही है फिरोजपुर से, जो कि धनबाद के लिए जा रही है। और ये आप साइन बोर्ड देख सकते हो लखनऊ का, और आगे लोकोमोटिव कुछ खड़े हुए हैं हमारे, ये लोकोमोटिव हमारा वाइप लिखा हुआ है और कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हो हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। से बोलो जय माता दी के नाम से चलते हैं पहले। तो ये भाई साहब पूरा देखो, ये देखो वाइप खड़ा हुआ विद्युत, और लोकोमोटिव हमारा WAP5 वाइप और गाजियाबाद का, ये देखिए। और गाड़ी हमारी देखिए लहरा लेते हुए निकल रही है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों, इस गाड़ी का रूट चेंज होने के कारण क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लखनऊ से 11:25 पर हमारी गाड़ी चली हुई थी, 1:29 हो चुका है, अभी ये कानपुर नहीं पहुंची हुई है, क्योंकि बहुत समय लग रहा है, रुक रुक कर आ रही, 3-4 जगह पर रुक चुकी है। हॉल्ट बता दूँ 20-25-30 मिनट का हॉल्ट यार हो रहा है इसका, देखो सब परेशान है यार। तो फाइनली आप देख पा रहे हो, ये देखिए गंगा जी यहाँ पे आ चुके हैं और हम कानपुर पहुँचने वाले हैं। ये आप देखिए गंगा जी इस साइड में, ये है गंगा जी यहाँ पर, ये देखो देखिए पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है गंगा जी में। और ये नीचे रहा हमारा रोड वाला रूट, देखिए साइकिल वगैरह जा रही हैं और बहुत ही कम पानी है, पानी का स्तर बहुत ही कम है, ये देखो। ये भाई साहब देख सकते हो गंगा जी, दर्शन कर लीजिए माँ गंगा जी के। चुका है 2:25 और 2:25 पर हमारी गाड़ी पहुंची है कानपुर सेंट्रल, यानी 11:25 पर चली थी और 2:25 पर कानपुर पहुंची है। तो ये यार कटरा कब पहुंचेगी कोई पता नहीं, रूट चेंज होने के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही है। कानपुर में अंडे चावल बहुत बिक रहे हैं, अंडे चावल छोला चावल, ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। सो दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से, आप देख सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है। पिछले 2 घंटे से हमारी गाड़ी लगातार चल ही रही थी, लगभग 100 की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रही थी, और अब थोड़ा डाउन हुई है स्पीड और ब्रेक भी ले रही है हल्के हल्के। तो मैंने सोचा कि ना मोबाइल निकाल लिया जाए, वीडियो बना लेते हैं। और सामने की ये वाली बैटरी देख रहे हैं, ये वाली बैटरी हमारी जो है, इस पर ट्रेनें चलती हैं सिर्फ मालगाड़ी, जिसमें डबल इंजन के साथ काफ़ी ज़्यादा बोगियाँ बंदी होती हैं। और मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन पहले ही कर रखा था, काफ़ी सारे वीडियो भी पड़े होंगे, इस पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलती हैं। और आप देखो कितने समय ये पहुँचती है सहारनपुर, और अनाउंसमेंट में तो बता रहे थे कि खुर्जा होके जाएगी, इधर कोई स्टेशन भी बड़ा नहीं पड़ रहा इससे लोकेशन का पता लग सके, और गूगल मैप पे वैसे देख सकते हैं। और बाकी तो इसका जो रूट है वो चेंज होने के कारण हम ट्रेन इंक्वायरी पर भी नहीं चेक कर पा रहे हैं कि हमारी लाइव लोकेशन कहाँ पर है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और शाम होने वाली है, आप सूरज देख लीजिए डूबने वाला है भाई साहब। पहले हमारा टाइम हुआ 5:27 और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सिकोहाबाद। तो आगे का स्टेशन हमारा सिकोहाबाद आ रहा है और मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखो साइन बोर्ड लगा हुआ सिकोहाबाद जंक्शन का, तो ये है सिकोहाबाद भाई साहब, ये स्टेशन है सिकोहाबाद का। तो दोस्तों फाइनली समय हुआ 8:15 और हम पहुंच चुके हैं खुर्जा जंक्शन। पानी लेने के लिए गया था लेकिन पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो ये खुर्जा जंक्शन। फाइनली अभी 10:52 हो चुका है और हम बैठे हुए हैं हापुड़ जंक्शन पर। तो हमारी ट्रेन अभी हापुड़ जंक्शन पर रुकी हुई है, और इसके बाद देखो कौन सा पड़ता है, नए रूट से जा रही है ना, चेंज था रूट ये गाड़ी है। रात को 1 बजे जादू हो रहा है यहाँ। अब पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, तब से भूत वूत तो नहीं आ गया। देखो
ये चैन भैया खींचने का कमाल है। गेट ना खोले हो। रात का बजा हुआ है एक और हमारी गाड़ी जो है वो पहुंचाई है सहारनपुर जंक्शन। और ये साइन बोर्ड आप देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ सहारनपुर जंक्शन, ये देखिए। और रात का एक बजा हुआ है और इसको यहाँ पे 8:30 बजे आना था और रूट चेंज होने के कारण ये 1 बजे पहुँच रही है। तो भाई साहब ये है सहारनपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म, आप देख पा रहे हैं सामने एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है और जंक्शन काफ़ी बड़ा है। जंक्शन है तो इधर से 2-3 जगह के लिए ट्रेनें जाती होंगी। और ये देखिए कोई ट्रेन हमारी खड़ी हुई है, कौन सी है भाई ये ट्रेन? ये हावड़ा अमृतसर हावड़ा स्पेशल है, इधर इस साइड में खड़ी हुई है। और बाकी हमारी प्लेटफॉर्म को लगने वाली है गाड़ी, इसमें देखिए इसमें भी लिखा हुआ सहारनपुर जंक्शन। तो काफ़ी यार लेट हो चुका क्योंकि ये हमारी गाड़ी आई है मेरठ, मुजफ्फरनगर और खुर्जा बुलंदशहर हापुड़ इधर से होके आई है, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। ये है भाई स्टेशन का व्यू, आप देख पा रहे हो सहारनपुर जंक्शन। और अभी ये आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई हुई है। ये भाई देखिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है सोने सोने से। तो दोस्तों अभी 2 बज चुका है रात का और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अम्बाला छावनी। पीछे का स्टेशन आप देख पा रहे हैं ये है अम्बाला छावनी और 2 बजे हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो दोस्तों फाइनली आप देख पा रहे हो हमारी गाड़ी 2 बजे पहुंची है अम्बाला छावनी के लिए। तो आप देख रहे हो साइन बोर्ड में उधर जो गाड़ी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है हमारी संभलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, आप देख पा रहे हो। सुबह अभी बजा हुआ है 4:25, हमारी गाड़ी पहुंची है लुधियाना जंक्शन पर। और ये पीछे का स्टेशन हमारा लुधियाना है और इधर ये देखिए हो रहा है इसका। तो दोस्तों फाइनली हमारी 5 मिनट बाद यहाँ से गाड़ी छूट चुकी है लुधियाना जंक्शन से। और ये है लुधियाना जंक्शन का देखिए स्टेशन और आगे जंक्शन का ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है लुधियाना जंक्शन का, ये देखिए भाई साहब ये देखो भाई उधर भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ है लुधियाना जंक्शन का, उस साइड में आप देख सकते हो वो देखिए वहाँ पर लगा हुआ बोर्ड। दोस्तों गुड मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है, बजा हुआ है 6:55 और हमारी गाड़ी पहुंची है अभी पठानकोट। तो ये हमारा स्टेशन है पठानकोट का और ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पठानकोट छावनी। तो हम पठानकोट पहुँचाए हुए हैं, अपना गाड़ी खड़ा हुआ है। तो 6:55 यानी 7 बजने वाला है, बस चंद मिनटों के बाद यहाँ पे 7 बज जाएगा। सो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है अपने निर्धारित समय से। और ये देखिए पठानकोट का साइन बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे स्टेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं बना हुआ है यहाँ का। और ये देखिए इधर पार्किंग एरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑटो खड़े हुए हैं। तो अभी हमारा सिम थोड़ी देर में बंद होने वाला है यहाँ पर, बस जस्ट जम्मू एंड कश्मीर। वाओ हमारी ट्रेन देख सकते हो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, सारी की सारी सीटें खाली हैं, ऊपर भी खाली है, इधर भी कोई नहीं उधर भी कोई नहीं। और अभी हम जम्मू तावी पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली ये ओवर ब्रिज एक बड़ा हुआ है यहाँ पर और ये देखिए ये नदी है यहाँ पर आप देख सकते हो। और शायद इसी नदी के बाद हमारे हम लोगों के सिम हो जाएंगे बंद, उधर पानी है उस साइड में क्योंकि वो बैरल खुले नहीं हुए इस वजह से। तो ये भाई सीन देख सकते हो काफ़ी मज़ा। और सामने पहाड़, सुबह सुबह पहाड़ भाई देखने को मिल रहे हैं और उधर हमारा नेशनल हाईवे वो आप देख सकते हो। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है 7:35 पर कठुआ स्टेशन और ये है कठुआ स्टेशन। और उधर उस साइड में साइडिंग भी बना हुआ है जिससे माल गोदाम का माल सीमेंट वगैरह उतर रही है, आप देख सकते हो। और ये कठुआ का साइन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है और स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है।
और ठंडी ठंडी हवा काफ़ी ज़्यादा आ रही है सुबह 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 का मौसम भाई वाह। ये देखो कठुआ लिखा हुआ है यहाँ पे साइन बोर्ड में, देख सकते हो कठुआ। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है अभी जम्मू तवी और टाइम हुआ है 8:01। तो आप देख सकते हो कितना लेट थी, इसे आना था 5:30 बजे। रूट चेंज होने के कारण ये पहुंची है 8:01 पर। ये आप देख सकते हो लिखा हुआ जम्मू तवी, ये साइन बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और हम आ गए प्लेटफॉर्म पर। तो हाथ भी यार हिल रहा है अभी। ये देखो भाई जम्मू तवी का स्टेशन प्लेटफॉर्म इधर इस साइड में आप देख पा रहे हो, अभी ट्रेन जम्मू तवी से निकल रही है हमारी। वाओ। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारी निकल चुकी है जम्मू तवी से कटरा के लिए और देख सकते हो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जम्मू तवी का। निर्धारित समय से निकली हुई है, 8:55 पर निकल चुकी है गाड़ी और ये साइन बोर्ड जम्मू तवी का। अब खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे अब देखने को मिलेंगे क्योंकि जम्मू तवी के बाद हमारे टनल चालू हो जाते हैं, जितने भी टनल हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा फर्स्ट टनल पड़ चुका है। अब देखिए गाड़ी टनल के अंदर अंधेरे में जाते हुए गुजर रही है तो गुफा के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही 30 टनल पड़ते हैं श्री माता वैष्णो कटरा तक पहुंचने में, बड़े बड़े टनल छोटे टनल मिला के आपको 30 टनल यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर की तरफ आ रही है यार, और ऊंचाई का मैं बता नहीं सकता हूँ अंदाजा कितना होगा भाई। सामने भी देखिए ब्रिज बना हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह निकलने में गाड़ियों के लिए भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग बताना अगर यहाँ पे नहीं आए हो तो आना चाहोगे कभी माता वैष्णो देवी। दोस्तों अभी टाइम हुआ 10:20 और हमारी गाड़ी पहुंच रही है उधमपुर रेलवे स्टेशन और ये साइन बोर्ड आप देख सकते हो उधमपुर का यहाँ पे, तो उधमपुर हमारी गाड़ी पहुंच रही है। दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और उधर वहाँ पर रहा साइन बोर्ड। 10:21 पर हमारी उधमपुर गाड़ी पहुँची है और अभी यहाँ से कटरा थोड़ी ही दूर बचा हुआ है, एक और स्टेशन बीच में पड़ेगा उस पर शायद रुके या ना रुके, उसके बाद सीधा कटरा। सो दोस्तों ये जो पर्वत आप देख पा रहे हो यही पर्वत माता जी का भवन का पर्वत है, काफ़ी ऊंचाई पर है माता जी का भवन, आप देख सकते हो पर्वत विशाल है। दोस्तों जो सामने का आप ये पहाड़ देख पा रहे हैं ये माता वैष्णो देवी जी की चढ़ाई वाला पहाड़ है, देखिए वो वहाँ पे अर्धकुमारी माता मंदिर का मंदिर दिखाई दे रहा है और उस साइड में माता जी का भवन इस साइड में है, तो ये पर्वत देख लीजिए। और हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी स्टेशन पर, ये सामने साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हो हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर और ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। आगे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यह माता जी का दरबार इधर है, माँ का भवन इधर है इस पहाड़ी पर और ये स्टेशन आप देख पा रहे हो, ये देखिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन साइन बोर्ड आप देख लीजिए यहाँ पर। तो
दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी पहुंचाई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। और पीछे आप देखिए सभी यात्री आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी स्टेशन पर कोविड टेस्ट होगा सभी का। सभी लाइन में लगे हुए हैं, जितने यात्री इस ट्रेन से उतरे हुए हैं सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट होगा यहाँ पे। ये इधर डबल डोज वाले और इधर सिंगल डोज वाले, तो दोनों की कोरोना की रिपोर्ट चेक करी जा रही हैं। सर्टिफिकेट लग रहे हैं यहाँ पे, आते हैं स्टेशन पर। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों फाइनली हम स्टेशन से बाहर निकल आए हैं और सर्वन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये माता वैष्णो जी का स्टेशन, स्टेशन से माता का दरबार आप सामने देख सकते हो। और स्टेशन पर कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। इधर आ रहे हैं जिनकी फर्स्ट डोज लगा हुआ, उनका सैंपल लिया जा रहा है, और इधर से डोज वाले आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखा दिया, लखनऊ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक पूरी जर्नी। जो हमारी ट्रेन आई थी वो रूट चेंज था, वो हमारा पहले आ रही थी गाड़ी मुरादाबाद होकर, लेकिन बाद में दोहरीकरण का काम चल रहा है शायद लक्सर के पास, उसकी वजह से हमारी कानपुर हापुड़ बुलंदशहर मुजफ्फरनगर होकर गाड़ी आई है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई। कंपनी 11 बजे के आसपास पहुंची थी यहां पर गाड़ी। और उसके बाद स्टेशन पर कोविड टेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है डबल डोज लगा हुआ उसका अलग लाइन, सिंगल डोज वालों का अलग, और सिंगल डोज वालों का सैंपल भी हो रहा है। उसके बाद जो है आपको रिपोर्ट दी जा रही, तभी आपको स्टेशन से बाहर निकलने दिया जा रहा है। अगर आप भी आना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास सैंपल जरूर होना चाहिए, रिपोर्ट लेके आइए या फिर अपना दो डोज लगवा के तभी आइए श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए, पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग था। और वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।